नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कार एंड टॉक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अपने आप में इंडिया की फर्स्ट SUV अगर देखा जाए तो टाटा ने जो इंट्रोड्यूस की थी टाटा सियारा, उसे टाटा ने एक बार फिर से उसी चीज़ को उसी स्टेंस को वापस इंडिया में लॉन्च करने का कुछ मन सा बनाया हुआ है। अब देखिए लॉन्च होती नहीं होती तो बात की बात है, बट टाटा ने जो मेहनत की है इस कॉन्सेप्ट व्हीकल को बनाने में काबिल तारीफ है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है टाटा सियारा कॉन्सेप्ट के अंदर और क्या होने वाला है इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इस गाड़ी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग गाड़ियों की वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक एक शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है दोस्तों। तो चलिए इसकी इस गाड़ी के बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट व्हीकल के फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा इसका बोनट, जो कि काफ़ी एक तरह से सिंपल बनाया गया है इस कॉन्सेप्ट व्हीकल के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे कुछ इस तरह के एलिमेंट, आपको DRS जैसे कि टाटा हैरियर में भी शायद दिखाए गए थे वैसे ही आपको इस तरह से मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन जैसे चल रही है, जो यहाँ पे जो एनिमेशन चल रहा है ये कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक दिखा रहा है गाड़ी को। IEC इंजन के साथ साथ शायद हो सकता है कि इन द फ्यूचर इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक SUV की तरह ही लॉन्च किया जाए इंडिया के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको CR की यहाँ पे बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एक तरह से आपको टोइंग हुक के कुछ ऐसे कुछ एलिमेंट मिलेंगे जो काफ़ी बोल्ड एंड डायनेमिक लगते हैं इस सेगमेंट के गाड़ियों के अंदर, जो टाटा हमेशा अपनी गाड़ी में देने की कोशिश पूरी करता है। यहाँ पे क्लैडिंग मिलेगी आपको इस पूरे साइड लुक के अंदर। और काफ़ी इस कॉन्सेप्ट व्हीकल को अगर देखा जाए, आई डोंट नो अगर आपको ये बात मेरी ठीक लगे तो बिल्कुल कमेंट भी करिएगा, अगर गलत लगे तब भी करिएगा, कि कॉन्सेप्ट मॉडल होते हुए भी गाड़ी को टाटा ने इतना सिंपल बनाया है, डिज़ाइन फिलोसफी इतनी सिंपल रखी है कि ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट मॉडल ना होकर रेडी टू प्रोडक्शन मॉडल जैसा भी फील करा रहा है दोस्तों। हालांकि ये तो वो नहीं है। और बात की इसके व्हील्स की, व्हील्स तो काफ़ी ह्यूज दिए हैं इस कॉन्सेप्ट मॉडल के अंदर, जैसे कि आप देख पाए समवेयर अराउंड इसका जो टायर साइज़ है, इसका रिम साइज़ है वो है 18 इंच का और 23/5 सेक्शन 55 इसका साइज़ है, जो कि बहुत ह्यूज अपील कर रहा है इस गाड़ी को, प्रेजेंट कर रहा है इस गाड़ी को। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हैरियर बढ़ के ही आपको पंख मिलेंगे, सॉरी किडिंग, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से रियर व्यू मिरर, या आई थिंक हो सकता है कि कॉन्सेप्ट मॉडल के अंदर इसके अंदर रियर व्यू मिरर कॉर्ने में दिया हो। यहाँ पे मिलेंगे आपको फ्लश आउट डोर हैंडल इन दिस व्हीकल, और यहाँ पे इट्स 3-डोर SUV इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टाटा सियारा का जो स्टेंस था, उसकी जो पहचान थी, उसका बड़ा सा अगर आप सी शेप कहे या फिर इसको ए शेप कहे, ए शेप में ग्लास है पूरा, आप देख पाएंगे यहाँ से पूरा देख सकते हैं, पूरा ओपन बिल्कुल दिया गया है जो टाटा सियारा में पहले दिया जाता था, जो अपने आप में उस टाइम में उस समय में भी काफ़ी एक यूनिक चीज़ हुआ करती थी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर। पीछे देखेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से टेल लैंप, मे बी इट कुड बी अ फॉग लैम्प इन द प्रोडक्शन वर्जन। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरी यहाँ पे आपको LED लाइट मिलेंगी, यहाँ से बिल्कुल शुरू होते 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 बिल्कुल दूसरी तरफ ही लग जा रही है, जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा फील कराती है इस गाड़ी को। तो आप यहाँ पे पीछे से देखें तो पीछे से इसका जो लुक होगा समवेयर अराउंड इसको अगर टाटा और लैंड रोवर का जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ पे दिख जाता है, क्योंकि अगर इस पोर्शन को आप देखेंगे तो आपको लैंड रोवर डिस्कवरी की बिल्कुल याद आने वाली है दोस्तों। इस पोर्शन को स्पेशली मुझे, ये मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग है दोस्तों, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो नीचे देखेंगे तो एक मैसिव सा बम्पर का यहाँ इसमें डिज़ाइन दिया गया है, जो अपने आप में काफ़ी रफ एंड टफ लग रहा है दोस्तों मुझे। तो चलिए ये तो होगी आपके एक्सटीरियर की बात। अब इस कॉन्सेप्ट व्हीकल के अंदर जो इंटीरियर एलिमेंट है उसके बारे में बात कर ली जाए, तो जैसे कि आप इंटीरियर देखते हैं इसका, तो आपको सबसे पहले जो सीट्स मिलेगी, सीट्स काफ़ी फ्यूचरिस्टिक मिलेगी इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा एक पूरा सोफ़ा टाइप ऑफ इसके अंदर कॉन्सेप्ट में एक सेटअप दिया हुआ है। और जो इसका फ्रंट है, फ्रंट देख लिए कि किस तरह से इसमें दिया गया है, स्टेयरिंग भी फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट मॉडल के अकॉर्डिंग, IRVM सब कुछ ही एक अलग ही स्टाइल का लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टाटा ने कुछ यूनिकनेस की हुई, यहाँ पे कुछ पेड़ों का डिज़ाइन दे रखा है पूरे डैशबोर्ड पे, मल्टी टोन डैशबोर्ड इसका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट व्हीकल, काफ़ी खूबसूरत काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका डोर पैनल,
जो बहुत ही अपने आप में काफ़ी यूनिक होगा। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से टाटा सियारा कॉन्सेप्ट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड इंटीरियर एक्सटीरियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी मेहनत को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।